हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माय स्मार्ट यूपी बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। फाइनली उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने फैमिली कार्ड ला ही दिया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक नया परिवार कल्याण कार्ड के निर्माण की योजना बनाई है। प्रदेश के सभी परिवार की मैपिंग कर एक पारिवारिक पहचान पत्र लॉन्च किया जाएगा। नया 12 अंकों का यह कार्ड सरकार को परिवारों के बारे में पूरी जानकारी जुटाने में मदद करेगा। इस कार्ड के जरिए परिवारों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में मदद मिलेगी। और साथ ही साथ इसको लेकर पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेजेंटेशन देखा था, इसमें योजना का पूरा विवरण दिया गया है। फैमिली कार्ड के लिए राशन कार्ड से डेटा लिए जाने की तैयारी की जा रही। अगर ऐसा होता है तो कुछ ही दिनों में 60% परिवारों को इससे जोड़ने में कामयाबी मिल जाएगी। फैमिली कार्ड को लेकर प्रयागराज में पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम किया गया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत राशन कार्ड के आंकड़ों के आधार पर लाभार्थी परिवारों की पहचान की गई है। सरकार को यह डेटा भी उपलब्ध कराया गया है कि किन परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। अधिकारियों की माने तो फैमिली कार्ड के बनने के बाद फर्जी कार्ड बंद हो जाएंगे। एक ही परिवार को किसी भी योजना का लाभ बार बार मिलना बंद हो जाएगा। सरकार उन परिवारों को लाभ के दायरे में लाएगी जो अभी तक इससे वंचित हैं। यूपी चुनाव 2022 के बाद योगी सरकार ने प्रदेश में रहने वालों का बड़ा वादा किया था, इस पर काम भी शुरू किया जा रहा। योगी सरकार ने फैमिली कार्ड के माध्यम से परिवार के सदस्यों को रोजगार दिलाने की योजना तैयार की है। कार्ड के जरिए पता चल पाएगा कि किस परिवार के सदस्य को अब तक नौकरी नहीं मिली है, जो अब तक इस प्रकार की योजना के लाभ से वंचित रहे। यूपी चुनाव 2022 में भाजपा की दोबारा जीत के बाद यूनिक आईडी कार्ड के माध्यम से सरकार की ओर से कई सेवाएं जोड़ी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि यदि परिवार के एक सदस्य का जाति प्रमाण पत्र बनवाया जाता है तो परिवार के दूसरे सदस्य भी आसानी से इसे हासिल कर सकते हैं। उन्हें आवेदन के साथ अन्य दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी। यूपी सरकार की ओर से हरियाणा में चल रहे परिवार पहचान पत्र और कर्नाटक के कुटुंब कार्ड के बारे में जानकारी ली है। हरियाणा में परिवार कार्ड के लिए राशन कार्ड डेटा का उपयोग होता है। सीएम योगी की ओर से फैमिली कार्ड बनाने की पूरी जानकारी ली गई है। इसमें साफ किया गया कि परिवार कार्ड में प्रदेश में रहने वाले लोगों की पूरी जानकारी रखी जाएगी। इसमें इन परिवारों को प्राथमिकता के स्तर पर रखा जाएगा जिनके यहाँ के कोई नौकरी में नहीं है। फैमिली कार्ड बनने के बाद बेरोजगारों को लेकर भी विशेष रूप से योजना तैयार की जाएगी। उनके हिसाब का रोजगार दिलाए जाने को लेकर कार्यक्रम बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। युवाओं को जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर बनाने की योजना तैयार की गई और इसको लेकर ऋण की व्यवस्था भी कराई गई है। सरकार इस प्रकार की योजनाओं को बढ़ावा देकर लोगों को स्वरोजगार से भी जोड़ने की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे।